लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि हाउ वी रीच्ड रूफ ऑफ द वर्ल्ड देवसाई थ्रू अ ब्यूटीफुल बट लिटिल डेंजरस करदू देवसाई रोड, और फिर देवसाई की वसतों और खूबसूरती में गुम होकर आधा प्लेटो क्रॉस किया और अब पहुंचे हैं बड़ा पानी ग्लैम पाकिस्तान की लोकेशन पर, जहां पर आज रात का हमारा स्टे है। और यहां आकर ऐसा लग रहा है जैसे हम विंडो एक्सपी के मशहूर जमाना वॉलपेपर, जो कभी ना कभी आपके और मेरे डेस्कटॉप कंप्यूटर पर रहा है, की लोकेशन पर पहुंच गए। चले रिसेप्शन पे चलते हैं और अपने ग्लैम का पता करते हैं और वहां पर जाके चेकिंग करते हैं। ये वाला ग्लैम है मेरा, आए जी चलते हैं। वाह जबरदस्त बेहतरीन, और यहाँ से इसका है व्यू बाहर का, ये लुक एट दिस ब्यूटीफुल। और बाहर निकलते हैं इससे, और बाहर से मैं अब आपको दिखाता हूँ इसका व्यू जो बाहर है दिस, ये बाहर से यहाँ बैठें एंजॉय करें, सामान शामान रखते हैं और फिर बाहर का जायजा बाद में लेते हैं। बहुत खूबसूरत जगह लग रही है। देवसाई की चार चीज़ें जो हैं वो मशहूर हैं, एक तो ब्राउन बेयर, दूसरा मारमोट जो हमने रास्ते में आते हुए देखे हैं, और तीसरा क्लाउड्स, यहाँ पे बादल जो हैं वो काफ़ी नीचे होते हैं, और चौथी चीज़ जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, इसलिए हम भी उसके बारे में बात डिनर पे या डिनर के बाद करेंगे। अच्छा, मेरे पास इन ग्लैम्स की भी ऑप्शन थी, ये वाले जो हैं, और लेकिन मैंने वो ग्लैम्प लिया, मेरा वो ग्लैम्प होगा कोई दूसरा तीसरा वहाँ से बनता है। इनका यहाँ से व्यू बहुत अच्छा बन रहा है, ये वाला व्यू है, लेकिन वो वाले जो सारे ग्लैम्प्स हैं उनमें ये एडवांटेज है कि आप पानी के पास बैठ सकते हैं, तो बड़ी सोच विचार के बाद मैंने फिर वो पानी के पास वाले लिए। अगर आप होते बताएं कि आप क्या करते। पहले तो आप जो है बार बार पानी पीते रहें और जो है फिर माउंटेन टी एक दो पिए, उसके बाद आपने स्टेप स्लो लेने हैं, बिल्कुल आहिस्ता चलना है, मतलब जैसे बच्चे चलते हैं वैसे आपने चलना है स्लो मोशन पे, उससे आपकी सांस का भी कोई इशू नहीं होगा, इंशाल्लाह फिट रहेंगे बिल्कुल। मैं थोड़ी देर आके लेट गया था, और जब आप इतनी हाइट पे आते हैं देवसाई में तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, डिजीनेस का, हेडेक का, इस तरह के छोटे छोटे इश्यूज हो सकते हैं। मुझे तो इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन वाइफ को थोड़ा सा हेडेक हुआ था, तो इन्होंने फिर माउंटेन टी दी जो यहाँ से ही बनी हुई है, यहाँ की हर्ब्स की है देवसाई की, तो उससे शी फेल्ट बेटर। तो अभी तक वो लोग सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, मैं जा रहा हूँ रात के खाने का ऑर्डर करने। ये इनका रेस्टोरेंट है। हाँ जी, खाने में क्या क्या है भाई, खाने में क्या क्या मिल सकता है? वाव, व्यू तो चेक करें यहाँ से। यार क्या खाने में क्या क्या मिल जाएगा? जी सर, चिकन वेजिटेबल सूप है, चिकन कॉर्न सूप है, हॉट एंड सावर है, चिकन कढ़ाई है, बोनलेस हांडी है। अब एक फुल चिकन कढ़ाई ऑर्डर की है और सात तंदूरी रोटियां। खाना सर्व करेंगे 8 बजे। ऑर्डर्स तो काफ़ी कुछ कर सकते थे, काफ़ी इनके पास ऑप्शंस हैं, लेकिन मैंने कहा कि रिस्क नहीं लेना चाहिए, पता नहीं कैसा बनाएं। चिकन कढ़ाई तो सबको ही बनानी आती है। ये जो एग्जैक्ट व्यू मेरे सामने अभी बना हुआ है, ये सामने है, सिर्फ इसी व्यू को खड़े होकर आप देखे जाएं और लिटरली आप इसमें गुम हो जाएंगे। मैं देवसाई की खूबसूरती में
इतना मखमूर हो चुका हूँ कि मुझे अपना बड़ी, वैसे मैं गाड़ी उर्दू बोल रहा हूँ लेकिन यहाँ पर यही बनता था वर्ड, कोई ऐसे मैंने फिट नहीं किया, तो मुझे अपना जो है ना वो ग्लैम्प ही भूल गया क्या है, उसका नंबर मैंने याद नहीं किया था। इनको भी जो है ना डिफरेंट कलर के पेंट करने चाहिए थे यहाँ पे ग्लैम्प, ताकि वापसी पे जो है अपना ग्लैम्प तो बंदे को याद रहता। यार मुझे वाकई याद नहीं है कौन सा ग्लैम्प है, मेरा ख्याल बाहर जूतियाँ पड़ी हुई हैं उनसे पता चल सकता है, ये वाला लग रहा है। हाँ यही है, यही है, ये जूतियों से और सिलेंडर से मैंने पहचाना है। बच्चा पार्टी को नींद पूरी कर लेने देते हैं ताकि ये लोग फ्रेश हो जाएं, और हम मीनवाइल बाहर बैठते हैं, थोड़ा मी टाइम एंजॉय करते हैं। मेरा ख्याल उन लोगों को जाके उठाना चाहिए क्योंकि सनसेट होने वाला है और वो सारी ब्यूटी मिस कर देंगे, फ़ायदा क्या हुआ इतनी खूबसूरत जगह पे आने का। वो मुझे याद आया एकदम से कि हमने तो खाने पैक करवाए थे डब्बों में, तो फिर अब आके मैंने अपना वो ऑर्डर कैंसिल करवाया है और उन्हें वो एक डब्बा कहा है कि इसको खोल के गर्म करके दें। बिल्कुल ठीक है, अब डिनर पर वो डब्बा खाएंगे और डिनर पर फिर मैं आपको बताऊँगा कि वो डब्बे में क्या था। उस दिन बड़ा पानी पर मेरी जिंदगी की खूबसूरत तरीन शाम उतरी। Perhaps I have never seen anything this beautiful ever in my life. ये वो लम्हे थे जो सीधे दिल और रूह में उतर जाते हैं और फिर हार्ट टू हार्ट डिस्कशंस शुरू हो जाती हैं। मैं चाहता था मेरी जिंदगी का ये वक्त स्लोमो में गुजरे, ये 30-40 मिनट घंटों में गुजरे, क्योंकि ये वक्त पता नहीं फिर कब आता, आता भी कि ना आता। एक इंसान की कितनी की जिंदगी हो सकती है और उसमें वो कितनी दफा देवसाई आ सकता है और कितनी दफा इतना लकी हो सकता है कि देवसाई को इस परफेक्ट वेदर में देखे, लेकिन वक्त नहीं रुकता और इसके ना रुकने में ही खूबसूरती है। Moon is rising, almost full moon, 30th का moon है। शेफ साहब क्या सीन है? गरम किया है मेरा वाला? हंस रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो उसका? कपड़ों पे ना फेंक दी सर। ये एक्चुअली बट कढ़ाई थी जो मैंने वहां से लाहौर से पैक कराई थी और ये बटर में बनी हुई है जो मेरी फेवरेट है, और जो खुशबुएं उठ रही है ना अभी, ओह मैं बता नहीं सकता आपको। कितनी बनी है अभी? ये कैसे खुलेगा? यार लाहौर का फेवरेट खाना इस व्यू के साथ इस हाइट पर अल्ट्रा प्रो मैक्स मजे हो गए हैं। अच्छा, और वो जो चौथी चीज थी वो है देवसाई के मच्छर। जितना मोटा मोटा मच्छर है ना यहाँ पर, अगर आप लोग मॉस्किटो रिपेलेंट ना लेके आए ना, तो बस अब सर्वाइवल बहुत मुश्किल होगा यार। लिटरली इतना इतना मोटा मच्छर है। सुबह मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, क्योंकि सुबह ज़रा जल्दी उठना है, मिनीमर्ग और डोमेल कारगिल की बेस जो कहलाती है वहाँ के लिए निकलना है सुबह जल्दी। बाय बाय, टेक केयर, टाटा, गुड नाइट। रात को कैंप में ऑक्सीजन की कमी हुई या नहीं और मूनलाइट में देवसाई कैसा लग रहा था, इसके बारे में बात नेक्स्ट एपिसोड में।